खबर है इमरान हाशमी के बारे में। आप सभी को पता है कि भाई साहब टाइगर 3 में विलन थे, वो फिल्म भी नहीं चली। एज ए हीरो भी आज तक इस बेचारे की कोई फिल्म नहीं चली। तकरीबन 25 से 30 फिल्में सुपर डुपर डिजास्टर दे चुका है। अब इमरान हाशमी की दो फिल्में ओटीटी पर रिलीज होने वाली है। एक है ए वतन मेरे वतन, जिसमें हीरोइन सारा अली खान है, और दूसरी फिल्म है शो टाइम। और मैं आपको बता दूं कि इन दोनों ही फिल्मों के निर्माता है करण जौहर साहब, यानी कि करण जौहर साहब ने ठान लिया है कि इमरान हाशमी को घर बैठा कर ही दम लेना है। ठीक है करण भाई, सही कर रहे हो आप। और अब फाइनली इमरान हाशमी भी ओटीटी का स्टार बन गया है। इस भाई ने ओटीटी पर हाथ आजमाया, वहां भी नहीं चला। इसने नेटफ्लिक्स के लिए एक वेब सीरीज की थी जिसके प्रोड्यूसर थे शाहरुख खान साहब, वो भी सुपर डुपर डिजास्टर रही। तो इमरान हाशमी के साथ बेचारे के वही हुआ कि ना घर का रहा ना घाट का रहा, ना ही वो ओटीटी फिल्मों में चल रहा है और ना ही निर्माता निर्देशक उसको उन फिल्मों में ले रहे हैं जो थिएटर में रिलीज होने वाली है। आप सभी जानते हैं कि पब्लिक को ओटीटी पर फिल्में देखने में बिल्कुल कोई इंटरेस्ट नहीं रहा है। जो भी फिल्में ओटीटी पर रिलीज हो रही हैं उनको कोई देख ही नहीं रहा, वो सब सुपर डुपर डिजास्टर है। तो जाहिर सी बात है इन दोनों फिल्मों के साथ भी यही होगा, पब्लिक इनको देखने वाली है नहीं। लोग नहीं जानते, मैं उनको ये बताना चाहता हूं कि इमरान हाशमी और मोहित सूरी कजिन ब्रदर्स है, लेकिन वो दोनों भी एक दूसरे के साथ काम नहीं करना चाहते, यानी कि दोनों भाइयों की भी नहीं बनती। तो आप अंदाजा लगाइए कि जब भाई भाई के साथ काम नहीं करता तो बॉलीवुड का कोई और एक्टर मोहित सूरी के साथ काम क्यों करेगा। इमरान हाशमी कहता है कि मोहित को डायरेक्शन नहीं आता और मोहित कहता है कि इमरान को एक्टिंग नहीं आती, इमरान फ्लॉप एक्टर है। लेकिन करण जौहर साहब ओटीटी पर छाए हुए हैं, उनकी इतनी सारी फिल्में ओटीटी पर रिलीज होने वाली है कि भाई साहब एक के बाद दूसरी, दूसरे के बाद तीसरी। भले ही उनकी कोई बड़ी फिल्म थिएटर में रिलीज ना हो रही हो, आने वाले महीनों में करण जौहर की कई फिल्में ओटीटी पर रिलीज होने वाली है। ए वतन मेरे वतन, शो टाइम, लव स्टोरियां वगैरह वगैरह। तो आज की तारीख में करण जौहर को ओटीटी फिल्मों का सबसे बड़ा निर्माता कहा जा सकता है। दोस्तों अगर आपने मेरा ये वीडियो देखा है तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलना और कमेंट्स करके जरूर बताना कि आज का वीडियो आपको कैसा लगा। टेक केयर दोस्तों, टाटा बाय बाय, लव यू, जय हिंद।